नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिनलैंड उत्तर यूरोप की बाल्टिक सागर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसे झीलों का देश कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फिनलैंड की ऐसी कुछ खास बातें जो आपको हैरान करने वाली है। फिनलैंड को यूरोप में बसा 8वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से फिनलैंड यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 18 लोग ही रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है, और यही कारण है कि प्रजनन दर बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने पर सरकार द्वारा $10,000 बच्चे के माता पिता को दी जाती है। फिनलैंड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ गेमलिंग यानी जुआ खेल को सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और इससे होने वाले आय गरीबों में बांट दी जाती है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ बिल्लियों का नाखून काटना मना है, और इसे करने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिनलैंड में ट्रैफिक आइन तोड़ने पर जुर्माना लगता है। यहाँ जुर्माना आमदनी के हिसाब से लगाया जाता है। किसी करोड़पति का सिग्नल तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। फिनलैंड को यूरोप का पेरिसन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। वर्ष 2013 के रिकॉर्ड के मुताबिक हर 10,000 कैदियों में से 1,050 कैदी फिनलैंड की जेलों से भाग गए थे। इसका कारण ये है कि फिनलैंड की जेलें खुली होती है, जहाँ कैदी आम लोगों के साथ आजाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छे जेलों में गिने जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की कई जेलें भारत के कई होटलों से भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। फिनलैंड में कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जिनमें मच्छर को पकड़ना, फुटबॉल को कीचड़ में डालना, आदमियों के ऊपर रबर के जूते फेंकना और भी कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं। फिनलैंड यूरोप का एकमात्र देश है जहां नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंककर उठाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने जूते चप्पलों को घरों के बाहर उतारने में विश्वास रखते हैं। फिनलैंड में प्रतिवर्ष एक अजीबोगरीब दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिनमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं, और जीतने वाले पति को अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम में दी जाती है। फिनलैंड ऐसा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यही कारण है कि यहाँ के दिन और रात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कई इलाकों में 22 घंटों तक सूर्य उगा रहता है, जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में 51 दिनों तक रात रहती है। फिनलैंड से नॉर्थ कोरिया पैदल जाने के लिए मात्र एक ही देश पार करना पड़ता है, और वो है रूस, जिसे पार करने के लिए भारी मशक्कत उठानी पड़ सकती है। यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल फिनलैंड में मौजूद है, जिसे पायजाने वाटर टनल कहा जाता है, और इसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा देवदारू का पेड़ पाए जाने वाले देशों में फिनलैंड सबसे आगे है, और इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि इसकी जड़ें लगभग 30 मील तक होती है। यूके और स्वीडन के बाद फिनलैंड तीसरा ऐसा देश है जहां बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर दुनिया के 105 देश घूमे जा सकते हैं। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होती। इसके बावजूद यहां के छात्रों का IQ बहुत ही अच्छे होते हैं। यहां की एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं, और यही कारण है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में फिनलैंड काफ़ी देशों से आगे हैं। इसके बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ की सरकार द्वारा बेरोजगारों को $500 यानी लगभग ₹40,000 दी जाती है। फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके आसपास 179,584 द्वीपें मौजूद हैं, और हिमनदी के कारण फिनलैंड प्रति वर्ष 0.04 इंच बढ़ जाता है, और जमीन के इस विस्तार के कारण फिनलैंड प्रत्येक वर्ष समुद्र से 7 वर्ग किलोमीटर ऊंची उठ रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें।